संकल्प पत्र लोकार्पण का आज का दिन विशेष हम सब के लिए है। आज 14 अप्रैल भारत रत्न पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इस शुभ दिवस पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और अन्य सभी नेताओं को संकल्प पत्र का लोकार्पण करने का नम्र अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ज्ञान की बात कही थी। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, तो ये संकल्प पत्र देश के इन सब प्रतीक रूप में उनको सुपुर्द करना है। मैं सबसे पहले दिल्ली के गांधीनगर में रहने वाले रघुवीर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। ये अपने स्वयं के छोले कुलचे की रेड़ी लगाकर स्वयं रोजगार चलाते हैं और प्रधानमंत्री स्वनिधि से लोन लेकर इन्होंने ये शुरू किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नम्र अनुरोध करता हूं कि उनको संकल्प पत्र सुपुर्द करें। श्री रवि कुमार ये युवा है और इन्होंने गाजियाबाद के निवासी है। सुमंगला योजना से और आवास योजना में ये लाभार्थी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे देश के किसान के प्रतिनिधि के नाते श्री रामबीर जी जो झज्जर हरियाणा के निवासी है और जिनको पीएम किसान निधि, फसल बीमा योजना, पशुधन योजना, इस सब का लाभ हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सभी किसानों के हेतु बस्तर की हमारी बहन श्रीमती नीलावती मौर्य छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। नीलावती बहन को आवास योजना का लाभ हुआ है, उज्ज्वला योजना का लाभ हुआ है, महतारी वंदन योजना जो छत्तीसगढ़ की चर्चित योजना उसका लाभ हुआ है, नल जल योजना का लाभ हुआ है। सभी बहनों का एक प्रतिनिधि रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नम्र विनती करता हूं कि वो अपना संबोधन करें।